तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंड किया था मिशेलसन स्टाल एक्सपेरिमेंट और हर्षे चेस को ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए थे विच आर एसेंशियल एंड रिक्वायर्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और अब हम लोग मूव करते हैं मेन टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स पे. तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को वो चीज़ क्लियर हो, और बट फिर भी क्लियर होने के बावजूद कभी कभी कुछ लूप्स आउट रहते हैं. और जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिक से लेके हायर लेवल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बहुत एसेंशियल है. जब भी आपको अब एग्जाम्स में कुछ ऐसे पिक्चर्स या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन या डायग्राम्स दे दिए जाते हैं और उनमें बहुत तरह के एंड्स देकर आप लोग से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे हमें पता तो होता है व्हाट यू मीन बाय फाइव प्राइम एंड या थ्री प्राइम एंड, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, बट उसके बावजूद जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना होने के कारण जो होता है वो हम क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं. तो इसलिए हम लोग बिल्कुल इनिशियल से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे. एंड मोस्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग डीएनए जो है वो प्रैक्टिस करें. आप लोगों को ये रिक्वायर्ड है कि आप लोग खूब अच्छे से उसको प्रैक्टिस किया करें, खुद ड्रॉ करने की. सिर्फ एक पिक्टोरियल वे में ड्रॉ करना ना देखें, बट कोशिश ये भी करें कि कितना हम मॉलिकुलर लेवल पे भी उसको ड्रॉ कर पा रहे हैं. तो जितना आप उसमें एक्सपर्ट होंगे उतना आपके लिए वो बेहतर होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ही अच्छा लगने लगेगा, राइट. तो इस चीज़ को आज बहुत ध्यान से सुनना है. फिर से बोलेंगे कि जितना आप अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे उतनी ही हर एस्पेक्ट पे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. और कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे बहुत सारे पॉलीमरेजेस एंजाइम हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके पास कौन सी एक्टिविटीज़ है, इनकी क्लैरिटी भी यहीं से शुरू होती है जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, राइट. यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये चीज़ सभी को क्लियर होगी. तो यहाँ पे एक डायग्राम ये बना हुआ है जहाँ पे आपके पास एक ये स्ट्रैंड है जो कि हमें क्या दिख रहा है, दिस इज अ राइबो शुगर, दिस इज वन प्राइम, टू प्राइम, थ्री प्राइम, फोर कार्बन एंड प्राइम कार्बन. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फिफ्थ प्राइम पर हम लोगों ने क्या अटैच, ये आगे बढ़ जाएगा और यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप अटैच, यानी फिफ्थ से ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. थ्री पर यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट के साथ यानी फॉस्फोडाइ ईस्टर लिंकेज है, यहाँ पे दो ईस्टर बॉन्ड बनते हैं. ये हम लोग ऑलरेडी न्यूक्लिक एसिड में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अब उससे ही नीचे जुड़ा हुआ फिर से एक न्यूक्लियोटाइड बेस अटैच हुआ है. और यहाँ पे हम क्या अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे भी बेस अटैच होगा. जैसे यहाँ पे कौन सा बेस है, यहाँ एडेनिन है, सपोज यहाँ पे गुआनिन है और यहाँ पे थायमीन है, राइट. तो और आपको ऑब्वियस सी बात है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे एडेनिन जब थायमीन से बॉन्ड बना रहा है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बट किस किस पोजीशन पे कौन कौन से जो एटम्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. जैसे 1-6 पोजीशन, 1-2-6 पोजीशन, 3-4 पोजीशन, 2-3-4 पोजीशन, ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे हैं. तो ये आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड है कि किन किन पोजीशंस पे वो बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं बनाने के लिए कौन से एटम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एटम्स किस पोजीशन पे प्लेस हैं, उनकी नंबरिंग क्या है, वो आपको याद होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है कि यहाँ पे क्या एडेनिन, इट इज बॉन्डेड विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अ थायमीन टू द अदर स्ट्रैंड.
यहाँ ग्वानिन है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे साइटोसिन अटैच होगा। तो अब हम लोग कंप्लीट उसका ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बट हमें ये पता है कि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी आपको पोजीशंस पता होने चाहिए, इनके पोजीशंस पता होने चाहिए। तो दूसरी चीज यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ हमने 2 ऐसे ऐड किया है, और इसको आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रैंड बनाया है यहाँ पे, क्योंकि जैसे बुक्स में बने होते हैं डायग्राम्स, कभी जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा वो इस तरीके से एक स्ट्रैंड दिखाया होगा और एक इस तरीके से दिखाया होगा, यानी फॉस्फेट पूरा कंप्लीटली इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है। कभी जो डायग्राम्स होंगे वहां पे फॉस्फेट जो है ये बार बार इतना PO4 ये बनाने से बेहतर है कि क्या रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इस पूरे को सिर्फ P से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फॉस्फेट है यहाँ पर एक ईस्टर बॉन्ड बना है, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है, राइट। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो फॉस्फेट है ये PO4 बनाने से क्या बेहतर होता है कि हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये पूरा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग फॉस्फेट को इस तरीके से एनसर्कल कर देते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन जो अब इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो एटलीस्ट आप पूरा एडिनिन नहीं ड्रॉ करते हैं, आप पूरा बेसिस नहीं ड्रॉ करते हैं हर बारी, बट कम से कम इतना जो ये दिया हुआ है ये ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप परफेक्ट हो जाए। और जैसे जैसे आप और बेटर होते जाते हैं तो फिर सिर्फ लाइन डायग्राम से आप चीज़ों को क्लियर आउट कर सकते हैं, और यस हम लोग को वहीं तक अप्रोच दिखानी है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ गया, यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है जो कि एंटी पैरेलल रन हो रहे हैं। ये हमारा 5 प्राइम है और यहाँ पे लास्ट में 3 प्राइम पर OH है। यहाँ पे क्या है, एंटी पैरेलल में हमें जब देखिए एंटी, अभी ये बनाने में आपको इजी रहेगा, बट जैसे ही आप खुद से ये ड्रॉ करने लगेंगे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, तो यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आप खुद देखिएगा ये अप्रोच लगा के तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो देखने में तुरंत लगेगा यस आई कैन ड्रॉ इट, बट येस डू ट्राई, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे 5th पोजीशन आनी चाहिए या 5 प्राइम कहाँ होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 1st पोजीशन है कार्बन का, यहाँ ये 1st पोजीशन है कार्बन का, यहाँ ये 2nd है, ये 3rd है, यहाँ पे ये 2nd है, ये 3rd है, राइट। और फिर यहाँ पे 5th कार्बन पर CH2 यहाँ होगा, और इस तरीके से यहाँ ये जैसे इस तरीके से ये जो बेंड दिखाया यहाँ पे क्या है, CH2 इस तरीके से, और यहाँ पे फिर PO4 है ये पूरा, और उसके बाद इस तरीके से हमारा स्ट्रैंड चलता आ रहा है, और हमारे पास क्या आ गया लास्ट में 5 प्राइम पे फॉस्फेट आ गया। तो हमारे पास पर आप लोग क्योंकि हैबिचुअल हो जाते हैं, ये तो याद हो जाता है फिर से कि हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम या, और ये एंटी पैरेलल हो गया 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, तो ये वाली बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हेन एनी काइंड ऑफ रेप्लिकेशन मैकेनिज्म अकर, तो हम लोग एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि ये जो है सपोज ये जो वाइड स्ट्रैंड में जो एंटी पैरेलल दिए हुए हैं स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, इनको सपोज दिस इज योर पैरेंटल डीएनए, ये आपका पैरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक, अब इस पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, इसको थोड़ा दूर करते हैं। ठीक, दूर करने के बाद हम इन दोनों ही स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यस यहाँ पे हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं, और हम लोगों ने सबसे पहले क्या कोशिश की है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है हमारा ये वाला स्ट्रैंड जो है ये रेप्लिकेट हो। तो इस रेप्लिकेशन के लिए आप देखिए यहाँ पे छोटा सा जो है स्ट्रैंड आके पहले अटैच हुआ है, दिस वन। ठीक, और आप इसका ओरिएंटेशन देखिए कि हम लोग को क्या करना है, इन डबल स्ट्रैंड डीएनए का अब डॉटर स्ट्रैंड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका अटैच हो गया ग्रीन कलर में, जो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो अटैच हो गए हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमर।
अब आप यहाँ पे देखिए, तो इस प्राइमर की जो आप प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ यूरासिल है, यानी ये जो प्राइमर है वो कौन सा प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर होता है और ये प्राइमर जो है कॉम्प्लीमेंट्री ही बेस पेयरिंग करता है। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहा है जो जो पैरेंट स्ट्रैंड को रेप्लीकेट करना है। दूसरी चीज, और आप देख रहे हैं ये जो प्राइमर अटैच हुआ है वो एग्जैक्टली क्या है, बिल्कुल जैसा अभी बोला हमने, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहा है। अब यहाँ पे ये जब जुड़ गया उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट आती है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राइमर ये अटैच हुआ है यहाँ पे, ये 3 प्राइम है, इसके ऑपोजिट में क्या है, ये 5 प्राइम है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो भी ये प्राइमर अटैच हुआ है वो भी किस डायरेक्शन में अटैच हो रहा है, एंटी पैरेलल वे में ही अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आके प्राइमर अटैच हो गया, और ये प्राइमर का जो फायदा होता है वो क्या है, यहाँ पे जब अटैच हुआ तो इसके इस एंड पे आपको क्या मिल रहा है, 3' OH ग्रुप मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और कौन सा एंजाइम आया है, यहाँ पे एक पॉलीमरेज एंजाइम आया है। ठीक, और इस पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है कि एक तो ये दो काम कर रहा है, देखिए एक तरफ ये क्या देख रहा है कि इस OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, OH ग्रुप अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, और दूसरी तरफ वो क्या डिटेक्ट कर रहा है, वो डिटेक्ट कर रहा है इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड को। अब आपको ध्यान दो चीजों का रखना है, देखिए ये जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि स्टेटमेंट्स भी कुछ इस तरीके से आते हैं कि आप लोगों को बहुत बहुत क्रूशियल एक एक चीज को ध्यान से सुनना है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये साइटोसिन है, यहाँ OH ग्रुप अवेलेबल है, यहाँ पे भी एक अटैच है न्यूक्लियोटाइड, बट ये क्या है, ऑलरेडी अटैच। तो अगर हम ये कह दें ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका नाम क्या हो गया, ऑलरेडी अटैच न्यूक्लियोटाइड, ऑलरेडी अटैच्ड न्यूक्लियोटाइड। तो ऑलरेडी अटैच न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होना चाहिए, उसके पास OH ग्रुप होना चाहिए, जिसे कौन देखेगा, जिसे पॉलीमरेज एंजाइम डिटेक्ट करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये और किसकी एनालिसिस कर रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, इसका नाम क्या रख दिया है, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड होगी उसमें ये क्या एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहली तो एनालिसिस वो ये कर रहा है कि जो अब मुझे अटैच करना है अगला न्यूक्लियोटाइड वो कौन सा है, यानी यहाँ पे साइटोसिन है तो कौन सा इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए, ग्वानी न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए। तो ये चेक कर रहा है कि जो आ रहा है वो GTP होना चाहिए, यानी डीऑक्सीराइबोस, भाई DNA बनने जा रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, DG ये होना चाहिए, तो ट्राईफॉस्फेट यानी गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट होना चाहिए। दूसरी चीज कि यहाँ पे, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे आप यहाँ पे इसके, क्योंकि यहाँ हमने RNA बोला है तो यहाँ पे आप सेकेंड उस पर भी क्या लगा सकते हैं, OH ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, बट ये इसका काम क्या है कि मुझे 3' पर OH ग्रुप चाहिए, किसके, ऑलरेडी अटैच न्यूक्लियोटाइड के, और इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड कैसा होना चाहिए, डी ऑक्सी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए जो उसे ऐड करना है, तो नेक्स्ट कौन सा ऐड करना है, गोनोसिन ऐड करना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये जो OH ग्रुप है फिर ये क्या करेगा, इन लोगों की दोनों की ये इसके जो दो एक तरह से सबस्ट्रेट ही हो गए, ये जो दो हो गए वो इन दोनों के बीच में अब क्या करवाएगा, रिएक्शन करवाएगा। तो ये जो OH ग्रुप है वो कहाँ अटैक कर रहा है, अल्फा फॉस्फेट पे। तो हमें पता है कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में आएगा, हमेशा क्या याद रखना है, ट्राइफॉस्फेट
ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा। ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में होगा तो उसके पास एक अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट होगा, और वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो दो फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और ध्यान में रखना है कि ये जो दो फॉस्फेट हैं ये किस फॉर्म, मतलब जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, राइट, ये ध्यान में रखना है। तो इनका इनकी इस इनका क्या फायदा मिलने वाला है ये भी हम लोग देखेंगे। तो अभी आपने देखा कि ये ग्वानोसिन अब ऐड करना है और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, तो ये सारी जो चीजें हैं रिक्वायर्ड हो रही हैं। तो इसको क्या क्या चाहिए, OH ग्रुप चाहिए, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में ये रिएक्शन करा रहा है, जिसको आप बोल रहे हैं पॉलीमरेज एंजाइम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है कि अभी यस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अटैच हो गया, ठीक है, क्या आया था, GTP आया था, डीऑक्सी GTP आया था, ठीक, ट्राईफॉस्फेट था, तो जिसमें दो पायरोफॉस्फेट जो है, इसको क्या बोल रहे हैं, पायरोफॉस्फेट, वो निकल के बाहर चले गए, ठीक, और जो एक फॉस्फेट था वो उसने क्या बना लिया, इस तरीके से ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लिया एक फॉस्फेट ने, और जो इसका OH ग्रुप होगा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज GTP, तो इसका जो OH ग्रुप है वो किस तरीके से आ गया, इस तरीके से आके लोकेट हो गया, ठीक। फिर से ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे साइटोसिन ऐड होना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो प्राइमर है वो ग्रीन कलर से बनाया है, ठीक है, अब प्राइमर के बाद अब जो भी ऐड होगा वो हम येलो कलर से दिखा रहे हैं, यानी कि वो उसे कौन ऐड कर रहा है, पॉलीमरेज एंजाइम ऐड कर रहा है, ठीक है। तो बाकी अभी हम लोग देखेंगे कि पॉलीमरेजेस में भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अब जब ये आ गया तो नेक्स्ट क्या होगा, फिर से वही DNA पॉलीमरेज, देखिए मैं फिर से स्लाइड बढ़ा दिया है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे फिर से ये पॉलीमरेज एंजाइम आया, और ये पॉलीमरेज एंजाइम अब क्या लेके आ रहा है, क्या डिटेक्ट कर रहा है कि करेक्ट बेस पेयर तो है ना, यानी कि साइटोसिन ही है, देखिए यहाँ पे साइटोसिन है, ट्राईफॉस्फेट है, यानी फिर से DCTP ये लेके आया, उसको डिटेक्ट कर रहा है, प्लस इसका नेक्स्ट काम क्या है कि देखना है कि यहाँ पे OH ग्रुप अवेलेबल है कि नहीं। यस, अभी पहले प्राइमर ने शुरुआत की थी OH ग्रुप देने की, अब क्या, अब वैसे ही अवेलेबल हो गया है, तो अब क्या है यहाँ पे फिर से इस OH ग्रुप ने अल्फा फॉस्फेट पे अटैच किया, ये दोनों क्लीव हो गए, इस फॉस्फेट ने आके यहाँ पे डाइस्टर बॉन्ड बना लेगा, और फिर से ये OH ग्रुप किस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा, इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पे, अब ये फिर से ये OH ग्रुप यहाँ पे आ गया है, और ये साइटोसिन आ गया, तो यानी कि अब जो है हमें जो पेयरिंग है वो इस तरीके से प्रॉपरली होती जा रही है। फिर अगेन द सेम थिंग क्या होगा नेक्स्ट, अब आई होप चीज क्लियर होगी, नेक्स्ट क्या है, फिर से पॉलीमरेज एंजाइम है, अब वो क्या लेके आएगा, अब नाउ यू कैन प्रैक्टिस DTTP, ठीक है, थायमिडीन ट्राईफॉस्फेट लेके आएगा, और सेम वे वही प्रोसेस होगा, अब ये फिर से OH जो है यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ दो पायरोफॉस्फेट निकल जाएंगे, OH जो है अटैक करेगा यहाँ अल्फा फॉस्फेट पे, एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। अब आपने देखा ये पूरा जो है इस तरीके से हो गई, और आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 3', और ये आपका रेप्लिकेशन हुआ, सिंथेसिस हुई, ठीक। दूसरी चीज अगर आप देखें कि इस स्ट्रैंड पे अगर आपको करना है नेक्स्ट, अगर हम लोग कोशिश करें नाउ फॉर दिस स्ट्रैंड, तो सेम प्रोसीजर इज गोइंग टू हैपन, एंड यू हैव टू चेक वही चीज पर, यहाँ पे आपको ध्यान में क्या देना है, यहाँ पे क्या होगा, 5' कार्बन, यहाँ पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा होगा, ये क्या है ग्रीन कलर में, ये क्या है आपको क्या दिख रहा है, एक प्राइमर दिख रहा है, और ये प्राइमर पहले क्या, यानी शुरू में जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले क्या दिख रहा है, एक प्राइमर दिख रहा है, और यहाँ पे इसके पास क्या है, 3' एंड पर OH ग्रुप अवेलेबल है, ये एंजाइम OH ग्रुप डिटेक्ट कर रहा है, और दूसरे
पोर्शन से ये क्या देख रहा है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है वो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, क्योंकि यहाँ पे साइटोसिन है, गुआनिन ऐड होना है। तो अब आपको यहाँ पे जब आप सिंथेसिस करेंगे तो इट विल बी क्वाइट इजी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अटैक होगा, दो पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया। अब ये फॉस्फेट क्या है, ये जाके यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच होगा तो आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। गुआनिन अटैच हो चुका है, यानी अभी इसने जो पॉलीमरेज ने इसको ऐड किया है, राइट। उसके बाद सेम चीज होगी, नेक्स्ट हमें फिर से ग्वानीन ऐड करना है। अगेन कौन लेके आएगा, ग्वानीन ट्राइफॉस्फेट चेकिंग ओएच ग्रुप अब अवेलेबल है यहाँ पे। फिर से क्या होगा कि ये ओएच ग्रुप अगेन अटैक अटैच हो गया, फिर हमारे पास ये चेन यहाँ पर आ गई। फिर नेक्स्ट लास्ट में, क्योंकि ये क्या है, अभी हमारा इसकी सिंथेसिस हो गई, ये हो गई। अब एक एडेनिन यहाँ पे आके जुड़ना है, और फिर एडेनिन जब जुड़ेगा तो क्या होगा, एडेनिन अब देखिए यहाँ पे एडेनिन आ चुका है। एडेनिन के बाद अब आप देख रहे हैं ये पूरी स्ट्रैंड जो है इस पॉलीमरेज ने सिंथेसाइज कर दी है, ठीक। अब यहाँ पे आपके सामने दो मेजर क्वेश्चन अराइज होते हैं और साथ साथ में बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो व्हाइट वाला जो पैरेंटल स्ट्रैंड है, जब ये सिंथेसाइज हो रहा है तो हर बार उसको क्या चाहिए, 3OH ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो यानी किस से किस दिशा में ये सिंथेसिस कर पा रहा है, 5' से 3' सिंथेसिस हो रही है। आप इस एंड पर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है भाई, ठीक है, ये 5' था, 5' से यहाँ पे 3OH ग्रुप अवेलेबल था, फिर यहाँ से ऐड होते, हर बार 3OH ग्रुप ऐड होना चाहिए, मतलब अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको सिंथेसिस कैसे दिख रही है, 5 5' से 3' की ओर ये स्ट्रैंड आप बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 5' से 3', इस तरीके से आप स्ट्रैंड को इंक्रीज करते जा रहे थे, ठीक। तो पहली चीज आपको ये दिख रही है कि हमारी जो सिंथेसिस हो रही है वो 5' to 3' हो रही है। दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या दिख रही है कि यहाँ पे आपको टेम्पलेट चाहिए ही चाहिए, नया डीएनए बनाने के लिए हमें टेम्पलेट चाहिए ही चाहिए। एक चीज आप और मैच आउट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास जो पहला जो पैरेंटल स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस क्या है, AGCGGA, ठीक है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो पैरेंटल स्ट्रैंड था वो क्या था, TCGCCT। तो अगर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्या है, टी दिस टी सी सी जी जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आपका नया स्ट्रैंड जो बना, नया रेप्लिकेट जो बना, वो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है, या सेम है कह सकते हैं, सेम है जो हमारा डॉटर सॉरी पैरेंटल स्ट्रैंड था 3' to 5'। तो यहाँ पे भी देखें कि जब इस पैरेंटल वाइट में हमने पैरेंटल दिखाया है, अब यहाँ पे जब सिंथेसिस हो रही है तो भी हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ये ए ए जी जी, तो ये वाला जो डॉटर स्ट्रैंड है वो किस किस जैसा है, वो 5' to 3' पैरेंटल स्ट्रैंड जैसा ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो रहा है कि एग्जैक्टली सेम कॉपी बन रही है किसकी, डॉटर स्ट्रैंड्स की। तीसरी बात आपने देखी यहाँ पे कि आपको प्राइमर चाहिए। जब प्राइमर क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये खुद शुरुआत नहीं किया, इसको पहले से 3OH चाहिए तभी ये सिंथेसिस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पहले से ही 3' पर OH ग्रुप चाहिए कैटालिसिस करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, नहीं तो ये नहीं करेगा। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो है डी नोवो, यानी खुद खुद सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, पहले कोई छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर लगा दे, उसके बाद ये सिंथेसिस स्टार्ट करता है। तो अब सवाल उठता है कि ये प्राइमर करने वाला, ऐड करने वाला कौन है।
तो प्राइमर किसी और ने ऐड किया होगा। तो यहाँ पे हमने आपको दो एंजाइम्स दिख रहे हैं, एक जो पिंक कलर में ये ड्रॉ है वो कौन सी सिंथेसिस कर रहा है, उसने ये बनाया है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है, ये जो है ये एंजाइम क्या है, इसका नाम है प्राइमेज, और एक तरह से कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये। ये क्या कर रहा है, आरएनए बना रहा है, थोड़ा सा 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड ये खुद ब खुद ऐड कर सकता है। यानी कि ये जो एंजाइम है, जिसने, अब ध्यान से इसको देखना है और इसका नाम देते चलना है, ये जो एंजाइम है क्या कर रहा था, ये एंजाइम डीएनए को देखकर डीएनए ही बना रहा था, डीएनए को देखकर डीएनए बना रहा था। ये डीएनए है व्हाइट में और येलो कलर में आपका क्या बन रहा है, डीएनए ही। क्यों डीएनए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई सेकेंड पोजिशन पे कोई ओएच ग्रुप नहीं है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये यूरासिल ऐड कर रहा है, तो ये डीएनए को देखकर डीएनए ही बना रहा है। तो इसको हम बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। ये जो एंजाइम है प्राइमेज एंजाइम, ये क्या कर रहा है, ये डीएनए को देखकर आरएनए बना रहा है, डीएनए को देखकर आरएनए बना रहा है, यानी ये क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और इसकी खास बात क्या है, और खास बात क्या है, ये खुद ब खुद स्टार्ट कर दिया इसने सिंथेसिस, इसको कोई 3' एंड की जरूरत नहीं थी। पर पॉलीमरेज को क्या था कि नहीं, मुझे तो 3' OH पर 3' OH फ्री चाहिए, नहीं तो मैं नहीं ऐड कर सकता। तो दिस इज, और टेम्पलेट भी चाहिए। अगर अब आप यहाँ पे देखिए, अगर ये एंजाइम, दिस एंजाइम यहाँ पर अब ऐड करना चाहे, फ्री एंड तो मिल रहा है OH, पर टेम्पलेट नहीं है आगे, ठीक। तो यानी डीएनए पॉलीमरेज के साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गई, ये आपको देखना है। तो कुछ डीएनए पॉलीमरेज आपने देखा, इसकी इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, टेम्पलेट और प्राइमर होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या आपने देखी अभी, 5' to 3' सिंथेसिस कर सकता है, ठीक। और आपने थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देखा, मैकेनिज्म क्या देखा, बहुत ही करेक्ट प्रूफ रीडिंग के साथ, बहुत ही करेक्ट इस ये बेस पेयरिंग के साथ जो है न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि गुआनिन के साथ एडेनिन ऐड कर दे और नहीं, बहुत ही प्रॉपर बेस पेयरिंग करते चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल डिटेक्ट कर रहा है प्रॉपरली। तो इसका ये अपना एक खुद का मैकेनिज्म है, जो कि हम लोग इसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे। तो अभी एक तरह से ये पूरा एक ओवरव्यू है, जहां पर हमें ये कुछ चीजें बहुत ही ध्यान से समझ में आ जाए।